आज हम दिलगांव के सिविल हॉस्पिटल में हैं और ये स्टाफ के जितने भी सदस्य हैं उनको आज वैक्सीन लगने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ये करते हैं इनसे बातचीत, इनको वैक्सीन लग चुकी है। ये हम ऑब्जर्वेशन एरिया के अंदर आ चुके हैं, आइए करते हैं इनके बारे में। नमस्कार जी, पहले तो हमारे चंद्रवाला को सभी को नमस्कार। हाँ जी, सभी को नमस्कार, नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हाँ जी, मेरा नाम करनेश और मैं पीएचएसपी पोस्ट पे हूँ, यहाँ सीएससी डीगल में। मैंने वह अपनी कोविड के बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई है, मैंने भी लगवाई है। मैं लोगों को मेरे को लगाने से कोई दिक्कत नहीं हुई वैक्सीन लगवाने से। मैं हाँ जी, मैं ये कहूँगी कि सभी ने अपने देशवासियों ने ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। आपको वैक्सीन लगने के बाद किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट या कोई ऐसी दिक्कत जो आपको मतलब परेशानी हो रही हो? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मुझे खुशी हुई। जिस चीज़ का इंतजार था आज वो इंतजार ख़त्म हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और सभी वैज्ञानिकों को मैं बस धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत से हमारे को ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाई। अब आप लोगों को जैसे जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं आज उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, तो आप आम जनता को इसके बारे में क्या कुछ मोटिवेशन करना चाहोगे? इस वैक्सीन ये बचाव के लिए है ये वैक्सीन, और वैक्सीन के साथ साथ हमें मास्क भी लगाना चाहिए और 2 गज दूरी का भी पालन करना चाहिए। और हम सबसे पहले हमने लगवाई, इससे कोई दिक्कत नहीं आई। तो आपको भी देशवासियों को हम ये कहेंगे कि इंजेक्शन सभी लगवाएं। ठीक है, आइए जल्दी से बात। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? मनीता। ये मनीता जी, ये बताओ आपको वैक्सीन लग चुकी है? नहीं, अभी हमारी ड्यूटी है, हमारा लिस्ट में नाम आएगा तभी हमें वैक्सीन लगेगी। आज हम वैक्सीन जो लग रही है एक ऑब्जर्वेशन में हमारी ड्यूटी लगी, तो हमारा काम लगेगा। अच्छा, आपके पास अभी मैसेज नहीं आया है? हाँ। पहले हमारे चैनल वालों को नमस्कार। सभी चैनल वालों को नमस्कार। ये बताओ आज आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, तो वैक्सीन की प्रोसेस कितनी बजे स्टार्ट होगी? थी ये सर 11:30 बजे। यहाँ वैक्सीन लगने के दौरान किसी प्रकार जिसको भी वैक्सीन लगी है कोई ऐसा साइड इफेक्ट देखने को मिला हो आप लोगों को जिसे पेशेंट को परेशानी हो? ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, आगे लगा है तो आगे पता चलेगा सेफ है, वैसे तो सेफ ही है। वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे तक इनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। ये हमारे साथ जितेंद्र कुमार होमगार्ड थे, आइए अब करते हैं अंदर स्टाफ से बातचीत। नमस्कार, क्या नाम जी? मोनिका। मोनिका जी, बताइए आपको वैक्सीन लग चुकी है? अभी आपका मैसेज आ गया है और स्टाफ के जितने भी मेंबर जिनको लग चुकी है वैक्सीन वो बिल्कुल सेफ हैं? हाँ हाँ जी, बिल्कुल सेफ है, वैक्सीन में किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं किसी भी मेंबर को। सब आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रह के अपना अपना काम कर रहे हैं। और वैक्सीन लगने के बाद उनको 30 मिनट तक आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है? हाँ जी, 30 मिनट तक उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, उसके बाद वो अपनी सीट पे जाने अभी मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई जिससे पेशेंट को परेशान हो जिसको वैक्सीन लग चुकी है?
नहीं ऐसे किसी भी मतलब किसी भी बेनिफिशियरी को कोई परेशानी नहीं हुई कि मतलब वैक्सीनेशन के बाद उसको कोई दिक्कत हुई हो, ऐसी कोई भी परेशानी सामने नहीं आई। हम ये मान सकते हैं सभी मतलब आम जनता से बोल सकते हैं कि मतलब ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। हाँ जी वैक्सीन तो पूरी तरह सेफ है, यहाँ देखा जाए तो हेल्थ वर्कर को लगी है तो वो पूरी तरह सेफ है, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई तो वैक्सीन से। ये वैक्सीन किस एज से लगाई जा रही है और कितनी एज तक लगाई जा रही है? ये पहले जो फ्रंट वर्कर है हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं जिनको ज़्यादा सामना करना पड़ रहा था कोरोना के पेशेंट का, पहले उनको लगाई जा रही है। उसके बाद में जो फ्रंट वर्कर हैं पुलिस वाले हो गए और हुए उनको लगाई जाएगी। उसके बाद में सर्वे हो रहा है, सर्वे में जो 50 साल से लेके 60 साल तक के बुजुर्ग हैं उनको लगाई जाएगी। और बाद में जो जिनको भी बीपी शुगर की प्रॉब्लम है चाहे वो 20 साल का है चाहे वो 30 साल का, फिर उनको भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी। छोटे बच्चों को ये वैक्सीन अभी नहीं दी जा रही? हाँ जी ये सरकार की गाइडलाइन ही है, छोटे बच्चों को नहीं दी जा रही तो मतलब कोई हिसाब से वैक्सीन बनाई होगी कि इस एज से इस एज तक वैक्सीन को दिया जा सके। तो हमारे साथ ये हेल्थ वर्कर थी और इन्होंने बताया कि ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है आम जनता के लिए। तो आइए सर आप मास्क क्यों? नमस्कार क्या नाम है सर जी आपका? मैं डॉक्टर तरुण। डॉक्टर जी ये बताइए जो आज वैक्सीन लगाने की प्रोसेस पूरी हो चुकी है क्या, चल रही है? नहीं अभी चल रही है, वैक्सीन लगाने की ड्यूरेशन जो है वो 5 बजे तक है, 5 बजे से पहले हम सेशन बंद नहीं कर सकते। तो जो जो मरीज जो जो वैक्सीन के बेनिफिशियरी हैं वो आते रहेंगे हमारे पास 5 तक, उनको हम लगाते रहेंगे। सभी कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन दी जा रही है, जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको चाहे वो 4th क्लास का हो चाहे 1 क्लास 1 अधिकारी हो उनको सभी को वैक्सीन दी जा रही है। देखिए ऐसा है कि जो लिस्ट हमने भेजी थी उसमें सब इंक्लूडेड थे, उसमें से 100 बेनिफिशरी को आज लिया गया और आगे जो सेशंस लगेंगे उनमें और बेनिफिशरीज लिए जाएंगे। और आज जैसे 100 की लिस्ट आई है इनमें से जो नहीं आएंगे उनको भी एड ऑन किया जाएगा अगले सेशन में। तो सभी को धीरे धीरे करके सभी को क्लास 1 हो चाहे क्लास 4 सब सारे हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनको लगेगी। ये किस किस दिन वैक्सीन लगेगी किस ये किस किस डेज को? ये जो स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर छोड़ा है कि वो किस किस दिन लगाना चाहते हैं। स्टेट से जो हमें गाइडलाइंस आई हैं वो ये आई हैं कि हम मैक्सिमम 4 दिन हफ्ते में 4 दिन लगा सकते हैं। इसके लिए अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि किस किस दिन लगाई जाएंगी, आज पहला सेशन था, इसको देख के इसके परिणाम देख के फिर हम आगे बता पाएंगे कि हमें कितने ड्यूरेशन में लगानी। जो अभी तक डिसाइड हुआ है वो ये है 2 से 3 दिन हफ्ते में सेशन लगाए जाएंगे अलग अलग जगहों पे। तो जो आगे का प्लान है वो अभी अंडर प्रोसेस है, जैसे ही वो डिसाइड होगा उसके बारे में बता पाएंगे। अभी कितने हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लग चुकी है अभी? इस सेंटर पे हमने 9 को वैक्सीन लगा दी और 2 बेनिफिशरी हमारे पास अभी प्रेजेंट है जिनके अभी वैक्सीन लगी है। तो टोटल 11 तो हमारे पास आ चुके हैं, बाकियों से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आएँ और अपना वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगने के बाद 30 मिनट तक उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है? जी जी बिल्कुल, जितने भी बेनिफिशरी हैं उनको वैक्सीन लगवा के 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन रूम है जो इससे नेक्स्ट रूम है ऑब्जर्वेशन रूम है वहाँ पे हम उनको रख रहे हैं। 30 मिनट वो वहाँ पे वेट करते हैं, हम देखते हैं कि किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव अगर वैक्सीन का निकल के आता है। हालांकि अब तक एक भी बेनिफिशरी में ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं है और आपके सामने वो सब जा चुके हैं वैक्सीन लगवा के और 30 मिनट वेट करके सब जा चुके हैं यहाँ से। तो इस तरह से मतलब हम पूरा उसका ध्यान रखते हैं कि किसी तरह का दुष्प्रभाव अगर वैक्सीन का आए तो हम उसको यहीं के यहीं संभाल लें और मरीज को कोई दिक्कत ना हो, ये हम इंश्योर करें। अभी ये कह सकते हैं ये वैक्सीन अभी पूरी तरह सेफ है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। इसके लिए ना तो हमें यहाँ पे और ना ही दूसरा जो सेशन साइट्स हैं उनसे कोई ऐसी खबर आई है कि किसी को भी लगी हो और उसको दिक्कत आई हो, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। आगे जो मतलब अगर कुछ आता है तो वो बताया जाएगा, फिलहाल इसके लिए हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह सेफ है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, तो आम लोग बिल्कुल भी ना डरें इससे। तो आने वाले टाइम में ये हर आम जनता के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। तो अभी आगे करते हैं इनसे बातचीत। भूप सिंह
नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। कोरोना और अभी लगभग एक घंटा हो चुका है वैक्सीनेशन करवाए हुए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जितने भी हेल्थ वर्कर को लगी है उनमें किसी में ऐसी कोई बात देखने को मिली हुई जो साइड इफेक्ट हो? नहीं, अब जब तक भी अब तक जितने भी टीके लगे हैं सब में किसी में ऐसी कोई परेशानी वाली कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो ये हमारे साथ बॉक्सिंग थे, तो इन्होंने बताया ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है।